हेलो एवरीवन। सो कंपनी है कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड एंड मंथली चार्ट लगा हुआ है, डेट है आज 6 अक्टूबर। सो मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाई थी अराउंड सितंबर मंथ क्लोज होने के बाद में, तो सितंबर मंथ की जो कैंडल थी मंथली कैंडल वो कुछ ज़्यादा खास कुछ उसने कुछ किया नहीं, अराउंड एक ही एरिया में उसने प्ले किया था पूरे मंथ में। जिस कैंडल के अंदर जिस बॉक्स के अंदर कैंडल बनी हुई है रेड कैंडल सितंबर मंथ की है। हालांकि कैंडल रेड है बट उसमें एक चीज पॉजिटिव थी कि कैंडल अपने हाई के पास में ही थी, यानी कि इसकी जो क्लोजिंग थी वो अपने हाई के पास ही में थी। ठीक है, लोअर शैडो बड़ी थी, अपर शैडो छोटी थी, यानी कहीं ना कहीं बायस स्ट्रॉन्ग थे उस टाइम भी, लास्ट मंथ में भी। एंड अगर इस मंथ की बात की जाए अक्टूबर मंथ, तो अक्टूबर मंथ की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी हुई है, मैसिव कैंडल्स दिख रही हैं और नीचे से काफ़ी अच्छा प्राइस पिकअप लिया है कैंडल्स ने। हालांकि अब इसमें एक ब्रेकआउट पॉइंट अपने से निकल गया है जो कि यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, कैंडल ने ब्रेकआउट किया था प्रॉपर, बट उस कैंडल के नीचे वॉल्यूम नहीं था जो एक ब्रेकआउट कैंडल के नीचे चाहिए होता है। ठीक है, हालांकि कैंडल ने ब्रेकआउट दिया बट वॉल्यूम नहीं है, और आज की कैंडल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, अराउंड काफ़ी गैप कवर किया अपसाइड में, एंड उसके नीचे वॉल्यूम भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। ज़्यादा हैवी बड़ा वॉल्यूम नहीं है, बड़ा एक वॉल्यूम दिख रहा है कि हाँ प्रीवियस वॉल्यूम बार से ये वॉल्यूम थोड़ा बड़ा, यानी कि वॉल्यूम कंपनी के अंदर बना है। बट यहाँ पे एक चीज और है जो अपनी इस एंट्री को थोड़ा सा रोकती है, और वो है ऊपर का रेजिस्टेंस पॉइंट, जो इसका यहाँ का हाई था वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है ये पॉइंट। ठीक है, ये अभी तक ब्रेक नहीं की है, आज की जो कैंडल बनी थी उस कैंडल से ब्रेक नहीं हुआ, हो सकता है नेक्स्ट वीक की कैंडल बने वो ब्रेक कर दें या फिर इसी पॉइंट पे फ्लैग बने। फ्लैग बनने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा मेरे को लग रहे हैं, क्योंकि प्राइस ने 2 दिन में 3 दिन में काफ़ी एरिया कवर किया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे थी 230-28 रुपए के आसपास पे और 258 पे है, यानी कि काफ़ी अगर परसेंटेज में देखा जाए तो अराउंड अराउंड 10-15% के आसपास के एरिया कवर कर दिया है 2 दिन में। सो पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ फ्लैग बने, बट है क्या अपनी को जो एंट्री क्लियर कन्फर्मेशन होगी वो इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए, यानी कि इस लाइन को क्लियरली ब्रेकआउट करे, ऊपर कैंडल क्लोज हो इस लाइन के ऊपर, और वॉल्यूम हो जो जस्टिफाई कर रहा हो क्लियर ब्रेकआउट को, उस टाइप के वॉल्यूम्स। अब ये तो होगी अपने ब्रेकआउट और वॉल्यूम्स की बात। अब इसमें एक चीज़ बताता हूँ मैं, इस कंपनी के अंदर थोड़े से वॉल्यूम वीक होते जा रहे हैं, यानी कि थोड़े से वॉल्यूम हल्के होते जा रहे हैं। या तो हो सकता है कितनी क्वांटिटी हो वो पूरी क्वांटिटी बड़े लोगों ने यहाँ पे बाय कर ली हो, ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर ये भी पॉसिबल हो सकता है कि अब ये ऊपर की साइड में चलने थोड़ा स्लो हो जाए, स्पीड थोड़ी कम पकड़े, यानी कि जो पहले इसने मैसिव ग्रोथ दिखी थी वो थोड़ी स्लो हो जाए। हालांकि अगर इसमें बिल्कुल चार्ट को रिवाइज रिपीट पीछे देखा जाए बैक में, तो यहाँ पे कुछ इस एरिया में अराउंड अराउंड 6 मंथ कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी परफॉर्म किया था, परफॉर्म करने के बाद में उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे 4 से 5 महीने तक कंपनी फिर एक साइडवेज जोन में चली गई थी, जो कि काफ़ी ह्यूज काफ़ी बड़ा टाइम है इस टाइप के मूव्स के लिए। ठीक है, बोल सकते हैं इजिली फ्लैग एंड पोल अपने मंथली चार्ट पर, तो इसने ऐसा ही किया था, तो हो सकता है फिर से इस टाइप की कोई चीज़ें बन रही हों इसके अंदर, यानी कि फिर से पॉसिबल है कि इसमें कोई फ्लैग बनने के चांसेस हों मंथली चार्ट पे। सो जो भी एंट्री होगी बहुत केयरफुली लेनी होगी ताकि इसमें हम स्टक ना हो जाएं। सो वेट है, ऊपर प्रॉपर एंट्री दे और वॉल्यूम जस्टिफाई कर रहा हो, ताकि जो एंट्री हो वो एंट्री प्रॉपर एक अच्छे बुलिश रन को इंडिकेट कर रही हो। एंड देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में किस टाइप की रहने वाली हैं, कंपनी चलेगी या फ्लैग बनेगा। सो दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।